दोस्तों आज एक ईवी स्टॉक्स मल्टीबैगर फंडामेंटली आउटस्टैंडिंग रिजल्ट देने वाला स्टॉक्स के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। पहला स्टॉक्स है हमारा पहला का यही लास्ट एंड पहला स्टॉक्स है जिसका नाम है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, जिसने प्रीवियस डे के दिन देखिए लगभग 7% का रिटर्न दिया है, जिसका ऑल टाइम देखे तो लगभग 6000% का रिटर्न दे चुका है। कभी ये पैनी स्टॉक हुआ करता था, देख सकते हैं, ये देखिए कभी 63 रुपये पर ट्रेड कर रहा था, लगभग वो भी बीच में फिर इसमें मौका देखने को मिला, बाइंग एंड सेलिंग करने का मौका देखने को मिला और इसका अभी प्रेजेंट टाइम में रिजल्ट आया है और इसका फंडामेंटली देखे तो बहुत मजबूत स्टॉक्स है, इसलिए मैं आपसे चर्चा करने लाया हूँ स्टॉक्स को। देख सकते हैं इसका मार्केट के मात्र 13,571 करोड़ का है और करंट प्राइस 1653 रुपये का है। और एक बात मैं पहले से बता दूँ कि मार्केट कैप के हिसाब से ही मार्केट बड़ी और छोटी होती है, ना कि उसके प्राइस से, प्राइस उसका मैटर नहीं करता है जबकि उसका मार्केट कैप मैटर करता है। देख सकते हैं इसका पी रेशियो देखें तो 164 का है और बुक वैल्यू 111 का है और डिविडेंड यील्ड देखें तो 14% का है। इस स्टॉक्स को अपने वॉचलिस्ट में रख सकते हैं। देख सकते हैं इसका कंपनी ऑफ एक्सपेक्टेशन रिपोर्ट देखें, गुड क्वार्टरली कंपनी हैज बीन डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट एंड 46% CAGR, मतलब अपने 5 साल में 46% का CAGR का ग्रोथ दे चुका है और इसका कौन देखे तो लगभग 40 times बुक वैल्यू के पर ट्रेड कर रहा है स्टॉक्स। और ये देखे तो कंपनी हैज़ बिन लो इक्विटी 7.0 leverage, ये भी सब कंपनी कम कर सकता है क्योंकि इसको ऑर्डर मिल रहा है, धीरे धीरे ये चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन इसमें एक कौन सा है अपना रिस्क है कि ये छोटी कंपनी है। दूसरी चीज़ देखिए, छोटी कंपनी में कुछ वो ऊपर नीचे होता रहता है क्योंकि देख सकते हैं इसका प्रमोटर होल्डिंग लगभग डिक्रीज हुआ था, लगभग 5% का, 5.5% के आसपास हुआ था, वो इसको डिस्कस किया है। और इसका देखे तो कंपेरिजन देखा तो टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड जैसे अच्छी कंपनी से इसका कंपटीशन है, समझ सकते हैं स्टॉक्स का ये ईवी के मार्केट में ये भी अच्छा खासा स्टॉक्स बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। इसका सेल्स देखें तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 289 हुआ था, इस क्वार्टर में 314 हो चुका है, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 34 से बढ़ के 44 हो चुका है। और देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेस अगले साल जून में देखिए कितना देता, 40 था, इस टाइम 44 हो चुका है। और देखिए नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले क्वार्टर नेट प्रॉफिट इसके लगभग बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग रिजल्ट दिया, देखिए नेट प्रॉफिट 15 करोड़ से बढ़ के 24 करोड़ हो चुका है, देख सकते हैं। और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो इस स्टॉक का 50% प्रमोटर के पास है, FII लगभग थोड़ा डिक्रीज किया है जबकि पब्लिक होल्डिंग थोड़ी इंक्रीज हुई है, ये थोड़ी सोचने वाली बात है, लेकिन अपने इस स्टॉक्स में अभी प्रेजेंट टाइम में अच्छे अच्छे न्यूज आ रहे हैं क्योंकि देख सकते हैं मल्टीबैगर ईवी स्टॉक्स शोकर हैज बिन 12% क्वार्टरली अर्निंग चेक डिटेल, देख सकते हैं लगभग 11% के आसपास इसने अपना को रिजल्ट अच्छा खासा आउटस्टैंडिंग दिया है। और जिसने इसने क्लेम किया था लगभग अच्छा जिस क्लेम के अगेंस्ट में ही लगभग 1573 का क्लोज हुआ ये स्टॉक्स, ये देख सकते हैं लगभग 1724 का हाई लगा चुका था ये स्टॉक्स को, देख सकते हैं लगभग शेयर्स हैज़ बिन इलेक्टेड ग्रैंड टेक एंड रोस 12% ट्यूजडे आफ्टर द फ्रेम रिपोर्टेड इट्स द Q1 अर्निंग। इलेक्ट्रा ग्रैंड टेक शेयर क्लेम बाई के 11.74% टू 1724.50 अगेंस्ट एंड प्रीवियस क्लोज, लगभग ये इसका हाई देख सकते हैं प्रीवियस क्लोज 1500 के आसपास में है और इसने हाई लगा 1750 का लगाया था, ये देख सकते हैं स्टॉक्स में लगभग पिछले 3 साल में लगभग दिस ईयर में लगभग इस 2 साल में लगभग 178% का रिटर्न दिया है और पिछले 3 साल में लगभग 4 गुना से ज़्यादा पैसा कर चुका है। आप इस स्टॉक्स को देख सकते हैं, स्टॉक्स का टोटल 2.69 लाख का शेयर द फ्रेम बाई चेंज द हैंड द अमाउंट टर्नड द 45 करोड़ मार्केट कैप ऑफ द फ्रेम द 14,152.36 ऑन BSE। इसका चार्ट देख सकते हैं, चार्ट देखिए तो इसका चार्ट पे देख सकते हैं बहुत दिनों में से अपने सपोर्ट के पास में आया,
एक रेंज में ही अभी तक चल रहा है स्टॉक्स। देख सकते हैं अपने सपोर्ट के पास आते ही स्टॉक्स ने एक अपना अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला, क्योंकि सब रिजल्ट हाल ही में आया, रिजल्ट अच्छा आया, इस कारण से ये स्टॉक्स ऊपर की तरफ भागा। इस स्टॉक्स में अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, कोई स्टॉक का रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन इस स्टॉक्स का फंडामेंटली बहुत मजबूत है, क्योंकि इसको ऑर्डर से ऑर्डर मिल रहे हैं और ये स्टॉक्स यूवी से रिलेटेड है। और धन्यवाद, कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। और डिस्क्लेमर में यही है कि हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, आपको मैं एजुकेशनल पर्पज़ से ये वीडियो बना रहा हूँ। धन्यवाद।